प्रणाम। आज मैं आप सभी को इस वीडियो में गैस इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन जो अभी एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की समस्या लोगों को क्रिएट होती है, फिर एसिडिटी में भी कन्वर्ट हो जाती है, तो इसके विषय में मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आयुर्वेद के माध्यम से आप कैसे उपचार कर सकते हैं। पीछे के वीडियोज़ में आपको योग के माध्यम से भी बताया है कि गैस इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी अल्सर जैसे रोगों में आप किन आसनों को कर सकते हैं, जिनसे जिन योगाभ्यास को करने से, जिन योगासनों को करने से आपको आराम होता है, प्राणायाम आदि के विषय में भी बताया। आज मैं आपको आयुर्वेद के माध्यम से इस विशेष बीमारी से बचने के लिए, और ये बीमारी ना कहकर मैं आपको ऐसे भी बताना चाहूँगा कि ये केवल हमारा खान पान ना सही होना, आहार विहार का ना ठीक होना, दिनचर्या का ना ठीक होना इसका सबसे बड़ा जो कारण है। तो मैं आयुर्वेद के माध्यम से आज आपको बताने वाला हूँ, सर्वप्रथम शरीर में जो 100 में से 80 से 90 प्रतिशत बीमारियाँ जो क्रिएट होती हैं हमारी बॉडी में, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो पेट ठीक ना होना। तो पेट को ठीक करने के लिए आप किन 4 औषधियों का प्रयोग करके आप स्वयं को स्वस्थ रख सकते हैं और पेट की समस्त उदर संबंधित समस्त विकारों से आप निजात पा सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है कि जो आयुर्वेद का ये उपचार मैं बता रहा हूँ, इसको नियमित रूप से आप किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को आप प्रयोग करवा सकते हैं। और इसमें सबसे पहले ध्यान में रखिए, अभी तो छोटे बच्चों से लेकर के जिनका खान पान बहुत अनियंत्रित हो चुका है, फास्ट फूड आदि का अधिक प्रयोग करना, तली भुनी चीज़ों का खाना, ये सब बहुत बड़ा कारण है, और फिर बाद में ये पाइल्स में भी क्रिएट हो जाता है। सबसे पहले गैस, फिर इंडाइजेशन, फिर एसिडिटी, फिर कुछ दिनों के बाद कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट होता है, फिर ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये अल्सर में, और फिर ये धीरे धीरे आंतों में घाव हो जाना, फिर एक समय के बाद ये पाइल्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। पाइल्स में भी दो प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, बादी या खूनी होना। तो पेट का साफ ना होना सारी बीमारियों का कारण है, फिर बालों का झड़ना ये भी बहुत बड़ा कारण है, चेहरे पर पिंपल्स आदि का आ जाना, और शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ जो क्रिएट होती हैं ये पेट संबंधित, पेट का ठीक ना होना, ये सबसे बड़ा कारण है। तो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ 4 औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ध्यान में रखना है 2 चम्मच अजवाइन ले लेना है, 2 चम्मच जीरा लेना है, और 1 चम्मच आपको सौंफ लेनी है, और 0.5 चम्मच आपको काला नमक लेना है। अब सर्वप्रथम फिर से मैं इन चीज़ों को दोहरा देता हूँ एक बार, 2 चम्मच आपको अजवाइन लेना है, 2 चम्मच आपको जीरा लेना है, जीरे में ध्यान रखेंगे सूखा जीरा हो, अच्छी तरीके से वो सूखा हुआ हो, और 1 चम्मच आपको सौंफ लेना है, फिर आपको 0.5 चम्मच काले नमक का प्रयोग करना है उसमें। अब ध्यान में रखना है, इसको बनाने की विधि में मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम 2 चम्मच जो आपने अजवाइन लिया और 2 चम्मच जीरा सूखा हुआ, इसको आप कूट लें, इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आपको 1 चम्मच सौंफ जो है, सौंफ का भी पाउडर आप बना लें, उसमें मिला दें, और फिर 0.5 चम्मच ऊपर से काला नमक डालकर इन तीनों को आप चारों को अच्छी तरीके से मिला देंगे, और मिलाने के बाद फिर आप इसको पाउडर करके रख लीजिए। इसको प्रत्येक दिन आपको नियमित रूप से 1 ग्लास पानी गुनगुना सुबह सुबह आप लेंगे। अब इसका प्रयोग भी मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह सुबह गुनगुने पानी में, 1 ग्लास गुनगुने पानी में आपको क्या करना है, 0.5 चम्मच इसको आप डाल देंगे सुबह खाली पेट, और शाम को भोजन के उपरांत आप इसका प्रयोग करें। इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें, या शाम को आप किसी भी समय ले सकते हैं, इसमें ये विशेष ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह आप फ्रेश होने के पहले ही इसका प्रयोग कर लें। गुनगुना पानी जब भी आप लेते हैं तो उसी गुनगुने पानी में आपको 0.5 चम्मच इन चारों औषधियों से जो मिलाकर आपने चूर्ण बनाया है, उस चूर्ण को आप, उस पाउडर को आप डाल देंगे, और 0.5 चम्मच पाउडर को डाल के खूब अच्छे तरीके से आप मिला लें और चम्मच से, और फिर मिलाने के बाद आप उसका नियमित रूप से प्रयोग करें। जिनको अधिक परेशानी रहती है वो शाम को भोजन के उपरांत बेड पे आप जब जाते हैं बिस्तर पे सोने के लिए, तो उसके पहले आपको इसी क्रिया को दोबारा फिर से कर लेना है। बस 1 ग्लास पानी में आपको 0.5 चम्मच इन चारों औषधियों का मिला हुआ जो पाउडर है इसको आपको डालना है और अच्छी तरीके से मिला लेना है, और मिलाने के बाद फिर आप पी जाएंगे गुनगुने पानी। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, सुबह शाम इसका नियमित रूप से प्रयोग करिए। ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या को 100% आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से बचाएगा, रिलीफ देगा, और ये बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही इफेक्टिव है। अभी हमने योग के दौरान कई साधकों को इन चीज़ों का प्रयोग बताया, और योगाभ्यास के दौरान तो उन्होंने इसका प्रयोग किया है, तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। जिनको और भी अगर थोड़ा बहुत डालना है, तो जिनका पेट बिल्कुल नहीं साफ़ हो रहा है, या बहुत अधिक एसिडिटी की फिर भी समस्या क्रिएट हो रही है गैस की, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन में भी
इसमें फिर क्या कर सकते हैं, 5 से 10 ग्राम, अंत में आप हींग का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 5 ग्राम हींग इसमें डाल लें और उसको भी आप अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसी पाउडर में, और फिर उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका आप नियमित रूप से प्रयोग करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसके प्रयोग से फिर आपको लाभ हुआ और क्या लाभ हुआ, कितने दिनों में लाभ हुआ, इन चीज़ों को ज़रूर शेयर करें। और जो आपकी परेशानियां हैं उसको भी ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आगे के वीडियोस में आपको और अच्छी तरीके से उनके विषय में भी बताऊंगा। और लास्ट में मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूंगा, रात में अगर आप दूध लेते हैं तो दूध में अरंडी का जो तेल होता है उसको आप 1 चम्मच ज़रूर डालें। अरंडी का तेल जो है उसको आप 1 चम्मच ज़रूर डाल लें, और वो थोड़ा कसैला सा होता है और मुँह में जाएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा और सा, लेकिन उसको भी आप प्रयोग कर लें तो वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये उसको भी 1 चम्मच आप दूध में डाल के खूब अच्छी तरीके से मिलाकर और प्रयोग कर सकते हैं, ये बहुत ही लाभकारी है। सनाई की पत्ती आदि का प्रयोग इसीलिए इसमें नहीं बताया, अभी जितने भी चूर्ण लगभग बनते हैं पेट के लिए, और मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे विशेष कर, लेकिन जो भी आप देखते हैं जो भी चूर्ण अभी बनाया जाता है पेट को साफ करने के लिए आयुर्वेद में, तो उसमें सनाई की पत्ती का ज़रूर प्रयोग करवा देते हैं। सनाई की पत्ती का अधिक प्रयोग करने से जो हमारा लीवर है, लीवर इफेक्ट हो सकता है उससे, तो लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो वो लीवर के लिए कम अच्छा मानते हैं, इसीलिए इस चूर्ण में आपको सनाई की पत्ती का प्रयोग नहीं बताया गया है। तो आप विशेष ध्यान रखें, इसका नियमित रूप से प्रयोग करें, स्वयं को आप पेट की समस्या से निजात दिला सकते हैं बहुत ही सहजतापूर्वक। और ये परेशानी लगभग अभी युवाओं में बहुत अधिक है, बुज़ुर्गों में भी बहुत अधिक, अभी तो छोटे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वो दो तीन दिन तक फ्रेश नहीं हो पाते, तो जिनका पेट नहीं साफ़ होता उनका मन कभी नहीं साफ होता। तो इसीलिए आप ज़रूर इसका प्रयोग करें, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और जो भी परेशानियां हों आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, मैं आपको आगे के वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत